देश भर में शिवरात्रि की धूम मची है। सावन की शिवरात्रि के मौके पर पूरे देश में शिवालयों के अंदर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों ने शिवरात्रि पर बने शिव गौरी योग में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। हरिद्वार से कावड़ भरकर लाए कावड़ियों ने भी शिवालयों में भोलेनाथ को जल अर्पित किया। शिव मंदिरों में भक्तों के लिए भगवान शंकर के महाकाल स्वरूप के दर्शन की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही कई मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करवाए गए। हरियाणा के शिवालय भी बम बम के जयकारों से गूंज रहे हैं। हम आपको बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, कैथल, गोहाना, यमुनानगर, जींद, सोनीपत, अंबाला ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये केवल 10 तस्वीरें हैं, लेकिन आज ना जाने कितनी हजारों लाखों ऐसी तस्वीरें हैं जिसे स्क्रीन पर ला पाना भी नामुमकिन है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर कांवड़िए जो हैं वो अपनी मन की भावना को लेकर, भक्ति भाव को लेकर वो पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे, और जो गंगा जल वो लेकर आए थे उन्होंने शंकर भगवान को वो अर्पित किया। मंदिरों के आसपास से गुजरने वाला कोई भी शख्स आसानी से उस माहौल को आज भांप सकता है जो कि सभी शिवालयों में देखने को मिला। घंटी की आवाज शांत नहीं हो रही और बम बम भोले और जय शिव शंकर के बोल जो हैं वो आसानी से सुनने को मिल रहे हैं। पूरा माहौल भक्ति में दिखाई दिया। जगह जगह जो शिविर हैं वो लगाए गए हैं। कांवड़ियों के भंडारों का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है और पूरा माहौल जो है वो भक्ति में देखने को मिला। आपको बता दें आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और इसी को लेकर कांवड़ियों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और इन 10 तस्वीरों के जरिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पिहोवा से हमारे संवाददाता गगन सांगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गगन, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ झलक है भोले भक्तों की पिहोवा की, जरा बताइए। बिल्कुल केशव, देखिए बताना चाहूंगा कि आज शिवरात्रि का पर्व देखा जाए कि रात 12 बजे से ही जो लाइनों में लगने के लिए और शिव अभिषेक के लिए, क्योंकि देखा जाए तो आज शिवरात्रि का दिन है, 200 किलोमीटर दूर पड़ जाता है हरिद्वार यहाँ से, और लोग पैदल ही जो है गंगा जल लाकर यहाँ पर शिव अभिषेक करते हैं और लोगों के अंदर आस्था भी देखने को मिल रही है। क्योंकि 2 साल के बाद जो है जिस तरह से कांवड़ लेकर जो लोग आ रहे हैं कि भी, क्योंकि कोरोना के बाद अब दूसरा साल लग चुका है और इस तरह से अब भक्तों के दिल में काफी खुशी देखने को मिल रही है कि 3 साल के अंदर जो है देखिए सावन एक ही महीने का आता है और इसलिए लोगों के अंदर काफी खुशी भी है। जी निश्चित तौर पर आप, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा गगन, क्योंकि 2 साल के बाद जो है इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी डर के, खास तौर पर जब कोई महामारी का डर नहीं, मारी का डर नहीं, कोई पाबंदियां नहीं है किसी तरह की सरकारों की तरफ से, तो कांवड़िए बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। जोश उत्साह अपने आप ही हाई लेवल पर रहा। हाँ बिल्कुल, देखिए 2 साल के बाद कोरोना के बाद जिस तरह से अब जो कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, जो भक्तों के अंदर काफी जोश भी देखने को मिल रहा है और भक्ति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पिहोवा एक धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, लोगों के अंदर आस्था देखने को मिल रही है, अलग अलग तरीकों से जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, किसी पर दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं और आस्था भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से शिवरात्रि के दिन शिव का जल अभिषेक करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और सावन मास के सोमवार के व्रत रखने से उनकी जो मनोकामनाएं रह जाती है वो पूर्ण होती है। जी ठीक है गगन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गगन ने पिहोवा की क्या कुछ तस्वीरें थी वो आपको बताई, वहाँ का क्या कुछ नज़ारा उन्होंने देखा वो शब्दों के जरिए गगन ने बयां किया, और ऐसा आज हर जगह देखने को मिला। सड़कों पर ये तस्वीरें आज सामान्य थी, जब टेम्पू जो हैं वो देखने को मिल रहे थे और उसके आगे दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे थे कांवड़िए। ये कांवड़ लाने का एक दूसरा तरीका है जो बहुत बड़ी मात्रा में लोग लेकर आते हैं, डाक कांवड़ के नाम से जिसे जाना जाता है, और कोई यात्री पैदल कांवड़ लेकर आता है, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने मनोभावों के अनुसार लोग जो है एक छोटी सी
लुटिया से लेकर और 121 लीटर तक गंगा जल जो है वो अपने कंधों पर रखकर लेकर आते हैं। श्रद्धा का ये स्वरूप जो है वो भारत जैसे देश में ही देखने को मिल सकता है, जहाँ की मूल संस्कृति, जहाँ का जुड़ाव जो है वो आराध्यों के साथ है, देवताओं के साथ है। ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण हरियाणा में, ग्रामीण आंचल में तो साफ तौर पर चीज़ें देखने को भी मिल जाती हैं कि डाक कावड़ को लेकर कितना उत्साह जो है वो युवाओं में होता है। महीनों पहले दौड़ लगाने की प्रैक्टिस जो है वो शुरू की जाती है, और ये जो डाक कावड़ की प्रक्रिया है इसे आप रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। जो डाक कावड़ होती है अब वो रुकती नहीं है उसकी रफ्तार एक बार चलने के बाद, और बाइक्स पहले आगे होती हैं, उन बाइक्स पर वो तमाम लोग बैठे रहते हैं, शिव भक्त रहते हैं, और एक एक कर रिले रेस की तरह अपने अपने स्टेमिना के अनुसार जो है वो लगाई जाती है दौड़, और दौड़ के बाद फिर वो स्थानांतरित होती रहती है, ट्रांसफर एक के बाद एक होती रहती है।